2,500 वर्ष से जो जुल्म हो रहे हैं, हाँ हजारों साल से, उसकी कोई बात नहीं कर रहा, बस दिख नहीं रहा था, दिख नहीं रहा था, इसलिए वो सत्ता में नहीं थे। सत्ता में आए हैं तो वो ये कर रहे हैं, ये कम नहीं था, पैरेलल चल रही है। संविधान में जो व्यवस्था है, संविधान आने के बाद भी वो व्यवस्था जिंदा, आप देख सकते हैं बड़े आराम से। जाति व्यवस्था जो, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था की वजह से, बेसिकली हम जाति व्यवस्था कहते हैं, लेकिन इसका मूल वर्ण व्यवस्था में है। तीन वर्णों में कोई जाति नहीं है, सिर्फ एक ही शूद्र वर्ण में जाति है। वो जाति व्यवस्था जब तक है, जब तक वर्ण व्यवस्था चलती रहेगी। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं अंबेडकर भवन में। जिस तरीके से बाम सेव राष्ट्रीय अधिवेशन के तौर पर आज यहां पे एक प्रोग्राम रखा गया था, 3 दिन का ये प्रोग्राम था, आज आखिरी दिन था इस चीज़ का, तो आज हमारे साथ इसी चीज़ पे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राहुल जी। जिस तरीके से ये नेशनल सेक्रेटरी हैं इंसाफ के, तो सर क्या विचार हैं आपके, सर ये बाम सेव राष्ट्रीय अधिवेशन है? बेसिकली वैसे तो ये आपको बाम सेव संगठन के किसी पदाधिकारी से बात करना चाहिए था जी। लेकिन फिर भी ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो पूरा वर्ष जो एक्टिविटी करते हैं, पूरा समाज को जगाने का काम करते हैं, उसको कंक्लूड करने के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। पूरा देश के लोग जगह जगह से जो कार्यकर्ता आते हैं, तो वो उनको कोडिफाई करते हैं, उधर एक नेशनल लेवल पर जो मैसेज जाए समाज को इकट्ठा करने का, बहुजन समाज को, उसके लिए ये एक्टिविटी होती है, साल में एक बार होता है, तो वही यहाँ पर रखा गया था। लेकिन आज ही के दिन मनुस्मृति दिवस भी मनाया जाता है, मनुस्मृति दहन दिवस, लेकिन आज ही के दिन, मतलब जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया था। अधिवेशन आप लोग इसका 3 दिन से इसका जो ये प्रोग्राम चल रहा है, तो मतलब इससे लग रहा है कि बहुजन एकत्रित होगा, इकट्ठा होगा और आवाज़ बनेगा अपने ही लोगों की। मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि बामसेब की बात आप बामसेब वालों से करते तो ज़्यादा ठीक था, लेकिन ये प्रयास यही होता है। देखिए, कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अवेकनिंग का काम करती है। बामसेब क्योंकि एम्प्लॉयज़ की संस्था है, तो जागरूकता का काम करते हैं, और जागरूक करने का मतलब यही होता है कि लोग इकट्ठा, जो कॉमन, जो इस तरह के कॉजेज हैं जिनकी वजह से समाज में जाति होती है, उन कॉजेज को ख़त्म करें और समाज को एकत्र करें। उसको जो नहीं जानते, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि बामसेब ने इस देश के अंदर बहुत बड़ा काम किया, वो इतना बड़ा काम किया जो सत्ता तक भी पहुँचाया, ये बामसेब का ही काम था। भले ही वो राजनीतिक पार्टी दूसरी थी, बहुजन समाज पार्टी से कुछ अलग रहकर ये सोशल संगठन है, लेकिन बामसेब के काम का बहुत लाभ उसको मिला, तो समाज को जागरूक किया, समाज को इकट्ठा किया। समाज में जितनी चेतना है आज, जो शोषक और शोषित की जो परिभाषा है, ये बामसेब ने एस्टेब्लिश की। जो 85% जिसे मान्यवर कांशीराम साहब जो बामसेब के जनक थे, उन्होंने 85-15 का फॉर्मूला दिया बामसेब के अंतर्गत, बामसेब के माध्यम से, वो बामसेब की ही देन है। और वो बामसेब के होने से पहले ये आइडेंटिफाइड नहीं था इस देश के अंदर, बामसेब ने ही इसको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करवाया कि शोषक कौन है, शोषित कौन है, ये पहचान बामसेब के काम की बदौलत है। लेकिन जिस तरीके से, मतलब आप लोगों ने सभी भाषण में कहा कि जो एजुकेशन के तौर पर इनको बढ़ावा देना चाहिए, मतलब लोग एजुकेशन लें, पत्रकार बने और हर चीज़ में मतलब आगे आना चाहिए, तभी खुल के बाहर आएगा जो ये समाज है। तो आप लोगों ने देखा होगा इन्हीं लोगों के लिए आरक्षण दिया जाता है, लेकिन वहीं अगर बात करें जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि इनसे हम पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमें तो हमारा नंबर आता है 99% में, लेकिन वहीं इनको 80% पे, 70% पे भी एडमिशन मिल जाता है। गलत अवधारणा है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये तो संवैधानिक प्रावधान है ना, बाबा साहब ने भी संवैधानिक प्रावधान किया। जो 2,500 वर्ष से जो जुल्म हो रहे हैं, हाँ हजारों साल से, उसकी कोई बात नहीं कर रहा, उस जुल्म जाति की वजह से ये बड़ा वर्ग अपने अधिकारों से वंचित रह गया था, और उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उस व्यवस्था को उन्होंने, बाबा साहब ने भी संविधान में रखा। ये तो हर जगह होता है, जब कोई भी कहीं भी पिछड़ जाता है तो उसको कुछ विशेष राहत दी जाती है, विशेष अवसर दिए जाते हैं, ये कोई भीख नहीं है, आरक्षण संवैधानिक अधिकार है। और क्योंकि
इतनी लंबी जुल्म जाति के कारण एक बड़ा वर्ग इस देश का अधिकारों से वंचित रह गया था, इसलिए उसको विशेष अवसर दिए गए आरक्षण के माध्यम से। इसमें पिछड़ने की कोई बात नहीं है। बहुत बार आरक्षित वर्ग का उनका अपना कोटा में भी वो ऊपर हो जाते हैं। स्वयं मैं इसका एग्जाम्पल हूँ। जब मैंने LLB में एडमिशन लिया था उस वक़्त आरक्षित वर्ग की जो लिस्ट थी, मेरिट लिस्ट, वो ऊपर थी, जनरल की नीचे थी। ऐसा बहुत बार होता है। ऐसा कुछ नहीं है, विशेष अवसर देने की वजह से ये आरक्षण का प्रावधान किया था। और उसमें ये लिखा है संविधान में कि जब तक आर्थिक और सामाजिक तौर पर ये वर्ग बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक ही आरक्षण। वो ये भी कहते हैं ना कि साथ ही साथ की जो SC ST कोटा से लोग आए हैं, मतलब अगर वो एक कोटा से आए हैं तो मतलब उनमें काबिलियत ही नहीं है। साथ ही साथ ये भी सवाल उठे जाते हैं कि ये लोग कम उसमें आ गए हैं तो काबिलियत ही नहीं होगी इनमें। ये गलत कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैंने एक कई कई बार एक एग्जाम्पल से कह सकता हूँ कि बहुत सारे कहते हैं कि ये डॉक्टर जो है ना, ये भी इस पेशे में आ जाते हैं कोटे की वजह से। लेकिन एडमिशन के टाइम पर भला ही हो सकता है, उनको आरक्षण की वजह से मेडिकल में एंट्रेंस मिल गया, लेकिन बाद में तो पास उसी पैरामीटर में करते हैं ना, उतने ही मार्क्स से करते हैं, वैसे ही करते हैं, तभी डॉक्टर बनते हैं। तो ये बात बड़ी गलत है कि वो आरक्षण की वजह से है ये होता है। योग्यता किसी उसकी जाति से नहीं मापी जा सकती, आरक्षण से नहीं मापी जा सकती। बाबा साहब से बड़ा उदाहरण और कौन हो सकता है। जिस तरीके से ब्राह्मणवादी सोच और जातिवाद सोच से आज़ाद कराने के लिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, वहीं अगर आज के दौर में देखा जाए, 2024 है और जो भाजपा सरकार है वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है। उनका एजेंडा ही सेट है कि आए हैं तो हिंदू राष्ट्र ही बनाएंगे, राम राज्य स्थापित करेंगे। वो तो शुरू से ही है, कुछ नया नहीं है। बस दिख नहीं रहा था इसलिए वो सत्ता में नहीं थे। सत्ता में आए हैं तो वो ये कर रहे हैं, ये कब नहीं था। पैरेलल चल रही है। संविधान में जो व्यवस्था है, संविधान आने के बाद भी वो व्यवस्था जिंदा, आप देख सकते हैं बड़े आराम से। एक तो संवैधानिक व्यवस्था जो आर्टिकल 13 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है जो पहली जितनी भी प्रथाएँ जो व्यवस्थाएँ चल रही हैं जो गैर बराबरी करती है, वो नल एंड वॉइड है। संविधान लागू होने के बाद से नल एंड वॉइड है, ख़त्म है आज के बाद में। लेकिन उसके बाद ही बराबर चल रही है, जाति व्यवस्था चल रही है, या ना किसी विशेष धर्म को आगे बढ़ाने की चलता, वो कभी ख़त्म नहीं हुई। बल्कि कानूनी तौर पर होने के बाद वो प्रभावी नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर सब कुछ विद्यमान है, कभी ख़त्म नहीं हुआ। लोगों को जो बहुजन समाज उसको जागरूक करने के लिए इतने सारे प्रदर्शन किए जाते हैं, आज भी इधर प्रदर्शन चल रहा है, 25 दिसंबर को भी जंतर मंत्र पर प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन वहीं अगर दूसरी तौर पर देखा जाए तो कई सारे मामले सामने आते हैं कि कोई पेशाब करने का मामला है, लोटा छूने पर मार दिया जाता है। मतलब कब तक बहुजन समाज दबता रहेगा? जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक संगठित नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। ये बात ही तो समझने का है कि ये सोच रहती है कि मुझे थोड़ी हो रहा है, मेरे ऊपर आज जुल्म नहीं हो रहा है, ये सोच बदल नहीं रही है। बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन प्रयास कर रहे हैं, और उनमें भी आपस में विभाजन है। ये सब भी बात है, ईगो की बात है, वो नहीं होना चाहिए। जब तक संगठन के साथ लड़ाई होंगी, संगठित होकर प्रयास नहीं होंगे, ये चलता रहेगा जुल्म। ये होता ही था पहले भी। कमज़ोर को एक तो जाति व्यवस्था जो, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था की वजह से, बेसिकली हम जाति व्यवस्था कहते हैं, लेकिन इसका मूल वर्ण व्यवस्था में है। तीन वर्णों में कोई जाति नहीं है, सिर्फ एक ही शूद्र वर्ण में जातियाँ हैं, उनमें नहीं है। तो वो जाति व्यवस्था जब तक है, जब तक वर्ण व्यवस्था चलती रहेगी वो रहेगा, और संगठित होकर लड़ेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। आज अगर वर्ण व्यवस्था से मारे हुए सताए हुए लोग हैं, अगर आज वो उस व्यवस्था का पोषण बंद करें, वही करते हैं मंदिर मस्जिद और वहाँ जाकर जो जहाँ पर जो लोग सताते हैं उसी व्यवस्था का पोषण कर रहे हैं रोजाना जाकर। हम ये कह सकते हैं कि जिस दिन इन लोगों ने इस व्यवस्था का पोषण बंद कर दिया, वहाँ पर जाना बंद कर दिया, उन तीज त्योहारों को मनाना बंद कर दिया, अंधविश्वास को फॉलो करना बंद कर दिया, उसी टाइम उसी क्षण व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और लोग आज़ाद हो जाएंगे। एक आखिरी संदेश आप बहुजन समाज को क्या देना चाहेंगे? मैं बहुजन समाज को यही कहना चाहूँगा कि वो लोग समझें, बहुत जुल्म हो चुका है, बहुत जाति अच्छी, कब तक जुल्म सहेंगे। बाबा साहब ने कहा था, मैं उसी बात को दोहराना चाहूँगा कि गुलामी के 1000 साल जीने के बजाय स्वाभिमान का एक पल जीना अच्छा है। ऐसी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि तुम मर जाओ। बाबा साहब ने ऐसे कहा था, मैं भी वही कहूँगा कि इससे तो मर जाना बेहतर है। हम जैसे लोगों ने बिल्कुल
एकदम जीरो से उठकर पढ़कर खुद से पढ़ाई करी और यहाँ तक आए हैं, बहुत मेहनत करके काम करें, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उठ जाना चाहिए, जब तक उठेंगे नहीं, जुल्म के खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएंगे, संगठित नहीं होंगे, ये जुल्म जाती चलती रहेगी। जिस दिन इस तरह की जागरूकता आ जाएगी कि अपने ऊपर जुल्म सहना बंद कर देंगे, उसी दिन ये इसका पटापेक्ष हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा भी था, एक वक्तव्य से उनके से मैं बात ख़त्म करूँगा कि बलि बकरों की दी जाती है, शेरों की नहीं। शेर बनो, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरीके से आपने बताया कि शेर बनो की बलि जो है बकरों की दी जाती है, इस तरीके से आज बामसेव राष्ट्रीय अधिवेशन है, आज उसका आखिरी दिन है, उसको लेकर भी प्रोग्राम हुए थे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जला दिया था और यही कहा था कि ब्राह्मणवाद और जातिवाद विचारधारा से आज़ाद होने के लिए। लेकिन आज वही दिन है, अभी तक लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा, बाहर निकल के खुद ही आना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो जो पिछड़े वर्ग से बाहर आ पाएंगे और आगे कुछ एजुकेशन और पत्रकार सब बन पाएंगे। तो इस पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।